तो भाई बस निकलने की पूरी तैयारी हो गई है। और भाई थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। और मतलब हमारा ऐसा होता है घर का खाना होता है पेट भर जाता है, बिल्कुल भाई सेम टू सेम वैसा टेस्ट था और पेट भर गया हमारा अच्छे से यार। अभी मैगी भर आई थी भाई ने, बहुत अच्छी थी मैगी भी, एक नंबर। अब बस फटाफट से लोकेशन लगा रहे हैं और लोकेशन लगा के फिर चलते हैं। और अभी कहानी अभी और भी थोड़ा सा वेट करो यार, कहानी आपको पूरी बताऊँगा मैं, ठीक है? बाय 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 चलें। सो गाइस अब द्वारा से हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जयपुर के लिए। दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई, जादू सा है कुछ सवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही ये जो चम। तो भाई अभी यहाँ पर आके रुके हैं एक ढाबे के ऊपर और 9 बज रहे हैं और अभी भी डिस्टेंस है 85 किलोमीटर। और भाई बिल्कुल वो जो स्टार्ट होने वाली प्रॉब्लम थी ना, बिल्कुल ही ख़त्म। अब अब जरी भाई की स्कूटी में एक प्रॉब्लम आ रही है कि 80 से ऊपर जा ही नहीं रही है, मतलब पूरा थ्रॉटल दे रखा है, भाग ही नहीं रही, समझ भी नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ रही है। मतलब या तो ज़्यादा चलने से कुछ ऐसा होता है कि पता नहीं, समझ नहीं। नहीं ज़्यादा चलने से नहीं हो सकता, अभी मेरे वाले का तो हीट मुझे पता ही नहीं चल रहा कितनी हीट हो रही है, क्योंकि मेरे हीट सेंसर की वायर ही हटा दी है। हीट सेंसर की वजह से ही, जिसे थर्मल सेंसर भी कहते हैं, उसकी वजह से इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी। पहली स्कूटी ऐसी देखी है मैंने जो गर्म होने के बाद धीरे हो रही है। भैया तीन चाय लगा दो, थोड़ी तेज बनवाना चाय ना, पत्ती तेज करवा देना। पहुँचते हैं वहाँ तक थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर कल सुबह सर्विस सेंटर द्वारा चलेंगे। मैं अपना थर्मल सेंसर लगवा लूँगा, आप ये लगवा लेना। देखो भाई अभी जैसे हमारे साथ कंडीशन हो रही है ना, तो ये सब आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई आप भी थोड़ा सा, मतलब एक तो स्कूटी पे राइड करना ना थोड़ा, मतलब मैं क्या बताऊँ, अलग वो फैक्टर चला जाता है बिल्कुल। जैसे हमारा क्या है कि हमारे पास अभी कोई और चीज़ नहीं है, आपको पता होगी जैसे पहले कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब ज़्यादा, अभी ये दिक्कत आ रही है, अब ये देखो भाई ये दिक्कत आ रही है, और टैपेट सेट हुए हैं ना, इस वजह से क्या पता उसी से लगातार आए थे वहाँ से। हाँ हाँ अभी इतने में 60-70 किलोमीटर में ही होगी, मुझे पक्का लग रहा है टैपेट की प्रॉब्लम है। भाई स्मेल आ रही है गर्म होने की, ज़्यादा गर्म हो रही है, कल स्मेल नहीं थी ये वाली भाई, मेरे को हेलमेट के अंदर आ रही है यार। अभी हमने TVS की रोड साइड असिस्टेंस को कॉल कर दिया है, अभी वो यहाँ पर टेक्नीशियन को भेज रहे हैं। और अभी देखो 8:10 पे कॉल नहीं, 8 नहीं सॉरी कब किया है कॉल, अभी 15 मिनट हो गए, 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि भाई 10-15 मिनट टाइम दिया है और कितनी देर में आता है। अभी उन्हीं कॉल आ चुका है मेरे पास, अब मैं कॉल अटेंड करता हूं और अभी खाना भी खा रहे साथ साथ, तो पैनिक नहीं होना। अब तो TVS की रोड साइड असिस्टेंस को हमने कॉल किया, तो उन्होंने लोकेशन ले ली भाई, हमसे सब कुछ ले लिया। एक तो पता क्या है, आधा घंटा भी खराब कर दिया, हमने खाना भी खा लिया और खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने आज बंदक में भाई। हाँ सच में यार दिमाग खराब हो रहा था, तो अभी खाना खाने के बाद अब ना जेरी भाई से मैंने बोला स्पार्क प्लग खोलो, तो स्पार्क प्लग खोला तो पता चला स्पार्क प्लग का जो ये जो कवर होता है ना ये लूज था, और भाई स्पार्क प्लग के ऊपर इतना ज़्यादा वाला कार्बन आ चुका है ना, इनकी वजह से मेरी स्कूटी स्टार्ट हो गई। पप्पी भी ले लो भाई, वो तो मेरे पास क्या है कि यार ये बेनिफिट होता है आपकी नॉलेज क्या है। देखो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत जो सीखी है मैंने वीडियोस से सीखी है, और आप सब मुझे करेक्ट करते रहते हो। अब बस ये फायदा है कि भाई मुझे, अब मेरे पास टूल थे तो मैंने फटाफट खोल के ये क्लीन कर दिया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन था। मेरे पास स्पार्क प्लग चार पड़े हुए हैं अभी, एक बार वो दिखा उस पर जूम कर दूं, मतलब फोकस कर दूं, एक मिनट रुक जा, अभी भी नहीं, अभी तो भाई बहुत क्लीन हो गया, रुक जा, सही आ रहा है दिख रहा है उसमें देखो, ये ग्रीन जो है ना ये है इसका, इसके ऊपर तो कार्बन सा आ गया ये, और यही इसके स्पार्क को जनरेट नहीं होने दे रहा। और भाई ये कपड़ा है ना, इस पर हमने पेट्रोल लगाया हुआ है, पेट्रोल लगा के इसके अंदर बार बार घुमा रहे हैं और भाई ये क्लीन हो जाएगा। और मेरे पास बहुत सारे स्पार्क लगे भाई, अब लगा के स्टार्ट करके चल पड़ेंगे भाई। भाई मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा, जब ये हर्ष भाई ने मुझसे कहा ना कि ये चेक करो, तो भाई जो स्पार्क प्लग का और जो इसका कवर होता है उसमें इतना गैप था, और स्पार्क प्लग पूरा हरा हो चुका है। स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग देख रहे हो आप, यहाँ से पूरा अजीब सा जल सा गया, देखो हरा हरा हो रहा होगा ये। और भाई उसकी वजह से मेरे स्कूटी पेट्रोल भी ज़्यादा पी रही थी, क्योंकि स्पार्क जनरेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, कुछ अजीब सा ही अजीब ही कुछ हो रहा था, ओवरहीट हो रही है कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, भगना ही बंद हो गई थी। मतलब जैसे हर्ष भाई इतने दूर निकल के बार बार रुक रहे थे क्या हो रहा है, तो मैं आ रहा खेसता हुआ भाई। चलो अब बहुत बात चली नहीं, अब भाई आप मोटे ब्लॉग में मिलेंगे, बहुत सारी बातें जल्दी से लगा लेते हैं इसको और चलते हैं भाई।
भाई देखो ये सारी चीज़ें ना होती रहती है, अगर आप राइड करोगे ना तो आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए। और भाई हम परेशान हुए बट यार खुश रहना चाहिए, देखो खुशी में आपने मिल गया हमारा यार, मिल गया तो रीजन था। खुशी में भाई ने चार रोटी एक्स्ट्रा खा ली, दो खाई है। और इवन ये वाला ना बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं है, ये मैंने यूज़ किया हुआ है एक दो बार, थोड़ा सा यूज़ हुआ है तो इसको थोड़ा सा मैं मतलब ये ऊपर से इसको कि मेरे पास सैंड पेपर, भाई सारे टूल लेके आ दो, सारी चीज़ें लेके आ दो, थोड़ा सा हल्का सैंड करके ना इसको क्लीन करके और फिर मैं लगाता हूँ इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी करूँ अभी भाई डांस भी करना है, स्टार्ट होएगी इसी बना देंगे। और भाई ये स्पार्क प्लग ना कभी भी इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि आप खोल ना पाओ इसको, ये बहुत मतलब टाइट होता है, इतना ज़्यादा नहीं कि आपको मतलब बार बार बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़े, और बहुत टाइट था, बहुत ज़्यादा टाइट था भाई। अभी स्पार्क प्लग इसके अंदर लगा दिया है, सब कुछ काम पूरा हो चुका है, सेल्फ लगाए भाई, बिल्कुल लगाओ, जल्दी से लगाओ। आ जाओ आ जाओ भाई, पास आ जाओ पास आ जाओ, ये कर दिया हमने चार, एक दो तीन, जय माता दी, लेट्स रॉक, जय माता दी, लेट्स रॉक, ए नाच 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 सही, ये टिक 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 टिक, ये 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 ये, अरे भाई 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 भाई, हमेशा कभी मेरी स्कूटी के अंदर कुछ खराब होता है ना तो मतलब मैं हमेशा सबसे पहले स्पार्क प्लग ही खोलता हूँ, और इस बार पता नहीं ऐसा था कि भाई की स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, मेरे दिमाग में आया नहीं स्पार्क प्लग खोलना भी चाहिए, तुमने बोला था मैंने मना कर दिया, हाँ मतलब मना कर दिया कि चलो यार यही प्रॉब्लम है, टैपेट की प्रॉब्लम है, टैपेट वाला मेरे दिमाग में आया था, टैपेट क्यों आ रहा था क्योंकि भाई आज उन्होंने टैपेट टाइट करवाए हैं। अब भाई मतलब ऐसा है कि ना भगवान जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि जो भगवान चाहता है वो बहुत चीज़ होती है अपने आप, तो हमारा कुछ होगा लिखा हुआ होगा कि भाई डिले होना है हमारे प्लान के अंदर, हम देखो एक डेढ़ घंटा लेट हो चुके हैं अभी तक नहीं पहुंचे, तो भाई बहुत अच्छा है मतलब अच्छा है, मेरा पेट क्या पता कुछ सही होने वाला, क्या पता कुछ क्या पता कुछ गलत होने वाला हो, तो हमारे साथ तो हम यहाँ पर रुक गए, हर एक चीज़ ठीक हो गई और भाई बहुत चीज़ें बच गए यार क्या पता। तो भाई बस यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा कभी प्रॉब्लम आए तो ऐसे पैनिक होने से ना कुछ नहीं होता कि भाई मुंह बना के बैठ जाओ, पैनिक हो गया था सीधे भाई, जगह भाई मैं हम खाना खा रहे हैं भाई आराम से, जब मैं बोल रहा हूँ घर में मेरे बैग में भाई बंदा बॉप और बैग लेके आ रहे हैं, बैग खोल रहे सारी चीज़ें कर रहे हैं, सर मतलब ऐसे देखो हमारा फिर भी है कि हम साथ हैं, अब तो बंदा कोई सोलो राइड कर रहा है उसका ऐसा हो जाए और बीच हाईवे में हो जाए तो भाई सर जरा बहुत हालत खराब होती है भाई। मैं पैनिक क्यों कर रहा था, हम 80 किलोमीटर आ चुके हैं और 80 किलोमीटर जाना है, बीच में फंस गए खाट लगी पड़ी है, तो बस यही बात मुझे बतानी थी और मैंने दोबारा कैमरा ऑन करवाया इसी बात के। भाई अब देखो पैकअप हो गए, 11:18 हो गए, इस टाइम पे ना अभी होटल में सो रहे होते हम अगर ये इशू ना आया था। अरे भाई यह है जोधपुर थाली, अरे बाजरे की रोटी पड़ रहा हूँ यार, ये राजेंद्र शर्मा जी का नंबर लिखा है और ये है श्री बालाजी शुद्ध शाकाहारी होटल। तो भाई यहाँ पे खाना खाया और सच में जो ढाबे का खाने का जो स्वाद है ना भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब पेट भर गया हमारा पूरा, और भाई मैंने तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया है सच बताऊँ तो। अब फटाफट से चलते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हम। मतलब भाई सारी की सारी आज चीज़ें हमारे साथ ही हो रही हैं, अभी इसका एयर फ्लो मतलब हवा बहुत ज़्यादा कम हो गई थी इसमें मेरी स्कूटी के अंदर, तो ना बहुत वॉबल कर रही थी चलते हुए, दिक्कत नहीं है वो हमारी हवा कम कर रही, हाँ भाई हमने हवा कम करी थी थोड़ी सी क्योंकि हमें ना थोड़ी पहले उछलती हुई लग रही थी, अब जब कम करी तो भाई कुछ ज़्यादा ही वो हो गई, तो अब भाई ये प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो चुकी है, अब देखता हूँ मैं चला के मेरे को ठीक लगेगी। तो बीच में नजारी भाई की स्कूटी ले ली थी, चलो यार अभी भी ना मतलब अब 1 बजे पहुँचेंगे यार, हम 1 बजे पहुँचेंगे, चलो तो भाई जयपुर सिटी आ चुके हैं हम अभी। और मैंने आपको बताया था ना जब बालाजी जा रहे थे टेम्परेरी लाइट होती है भाई ये वाली, और टूट गई देख लो ये, मतलब ऐसे नहीं टूटी बहुत, ये क्या हुआ था कि ऊपर नीचे सेट करने में ना पत्ती इसकी कमज़ोर हो गई थी, ये नहीं यार मतलब लगी रहेगी ना तो चल जाएगी, हाँ मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ख़राब है चल जाएगी, बट अगर छेड़ा खाने ज़्यादा करोगे ना ऊपर नीचे बार बार उतारोगे लगाओगे तो भाई पक्का है इसका 100% चली जाएगी, अब ये भी चली गई है पूरी। हवा महल भाई फोटो तो बनती है यहाँ।
मतलब क्या मोमेंट है यार, यहाँ रुकी और लाइट बंद भाई, ये हवा महल है पीछे, चलो अभी रुकना नहीं होगा हमारा, चलो यार आ जाओ। मतलब हम, मेरे को सच में नहीं पता था कि हम हवा महल के बिल्कुल जो सामने से निकलने वाले हैं, ये रूट हमारा हवा महल के सामने से होने वाला है भाई, और मिस हो गया। और ये सारी लाइट चली गई, देख रहे हो आप, मतलब साइड में जितना हमारा ये वो है ना पिंक सिटी है, पूरी पिंक सिटी की लाइट गायब हो चुकी है। अब पता है सिटी के अंदर पता नहीं क्यों ना ऐसा होता है यार, ये चीज़ ना आपके साथ भी शायद होती होगी, अब ये सिटी के अंदर है ना हम, तो एक अलग ही मतलब सिक्योर सा फील हो रहा है अंदर ना, और हाईवे के ऊपर थोड़ा सा अनसिक्योर सा रहता है कि भाई डर सा लगा रहता है कि अब भाई हेल्प मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, बट सिटी के अंदर थोड़ा सा मतलब ऐसा कैसे बताऊँ मैं आपको कि ऐसा लग रहा था मतलब हाँ आप अपने एक जगह पे हैं किसी पे, तो सिटी की अलग ही फीलिंग है भाई, सच में अलग ही फीलिंग है। तो भाई कल सुबह यहाँ पर आएंगे, ये है बीच में है जल महल, प्रॉब्लम फिर शुरू। क्या हुआ? ये तो दिक्कत, जब भी दो तीन बार बंद हुई थी बंद,